हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीवन कुमार ब्लॉग्स। आज हम शिलोंग से, जो मेरे भैया साथ में हैं, ये मेरे शिलोंग के रिश्तेदार हैं, तो इनको लेकर मैं मेरी शिलोंग वाली आंटी के घर जा रहा हूँ। 25 साल बाद मैं उनसे मिलने वाला हूँ। देखिए गाइस, 25 साल बाद आगे जो है, मैं शिलोंग में रहता था, तो आज 25 साल बाद बैकअप शिलोंग के लिए तो शिलोंग आया हूँ, तो मेरी आंटी से मिलने जा रहा हूँ। साथ में मेरे भैया, ये मेरे रिश्तेदार हैं, इनको साथ में ले जा रहा हूँ। गाइज देखिए, शिलोंग का व्यू जो है बहुत अच्छा है। देखिए हम पैदल जा रहे हैं, अब जो है आंटी को मिल पाऊंगा या नहीं, ये मुझे बहुत ही धड़कन जो है तेज हो रही है। ये आंटी के घर जा रहा हूँ और पैदल जा रहा हूँ। शिलोंग में पैदल चलते बहुत अच्छा लगता है, इतनी अच्छी लगती है क्या बताएं, हम कैसे कह नहीं पाते। तो हम जा रहे हैं आंटी से मिलने, तो 25 साल बाद मेरा शिलोंग आना हुआ। 25 साल पहले मैं शिलोंग में रहता था, तो मेरे पास मेरे भैया और राज भी मेरे साथ पैदल ही चल रहा है। देखिए अब कुछ ही देर बाद मैं आंटी के घर पहुंचने वाला हूं। गाइज हमारे चैनल पर बने रहिए। तो आंटी का घर आने ही वाला है, तो गाइज अभी कुछ ही देर बाद आंटी के घर पर पहुंचने वाला हूं। देखिए यही वो रास्ता है जहां हमारी आंटी रहती हैं। गाइज देखिए, शिलोंग के कुछ व्यूज आपको दिखा रहे हैं, कितना सुंदर सा प्यारा सा व्यूज। देखिए ऊपरी ओर जो आकाश की तरफ बादल छाए हुए हैं, नीचे जो है जो लोगों की घर, कितनी सुंदर आकार में यहाँ पे सजी है। देखिए गाइज हम पैदल जा रहे हैं। वाओ, तो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं, घर पर पहुंच चुके हैं। पहले ये है आंटी का घर। अब मैं कलिंग बेल बजाता हूँ, तो देखिए आंटी निकलेंगे शायद। नमस्ते जी। नमस्ते आंटी, घर पर है क्या? नहीं है। तो कहाँ पे है वो? तो आइए ना, अंदर आइए। ठीक है, हम आंटी के घर आ चुके हैं। बैठिए बैठिए। तो आप आंटी की क्या लगती है? मैं आंटी की बहू हूँ। बड़ी बहू? जी बड़ी बहू। देखिए आंटी की बड़ी बहू यहाँ पे है, तो यह हमें अफसोस हुआ, आंटी जो है हॉस्पिटल पे एडमिट है, तो आंटी से जो मिल नहीं पाएंगे हम शायद। और घर पर बच्चे, वो आपके हस्बैंड है? दोनों ही है। वो दीपक शिव दोनों हैं जी, जी। उनको बुला दीजिए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, जी, जी। देखिए ये आंटी का घर है, तो हमें अफसोस जो आंटी हॉस्पिटल पे एडमिट हैं, तो उनके बच्चे हैं और बहू हैं। दादा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे भाई तुम शिव हो? जी जी। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे आना हुआ यहाँ पर? ये 25 साल बाद मैं घूम घाम के तुम्हारे यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। अरे दीपक है क्या? बहुत बढ़िया है। बैठो भाई बैठो बैठो। कैसे हो? हम लोग तो ठीक है, आप बताइए आपका कैसा चल रहा है वहाँ पर?
हमारा सब ठीक ठाक ही है। और कैसे आना हुआ यहाँ पर? देखो हम 25 साल पहले शिलंग छोड़े थे जी जी, तो 25 साल बाद मैं यहाँ वापस आया, तो आंटी को मिलने मेरा बहुत ही मन कर रहा था, तो यहाँ आया। चलो अभी पता चला आंटी हॉस्पिटल एडमिट है, तो वहाँ पे कौन है आंटी के साथ? मेरी वाइफ है वहाँ पर। वाइफ है जी, और छोटी बहू जी, छोटी बहू वहाँ पे आंटी के पास है। चलो अगर हमें अगर संभव हुआ तो आंटी से जरूर हॉस्पिटल पे ही हम मिलेंगे। तो और बाकी क्या कर रहे हो अभी? बस अपना बिजनेस है। बिजनेस है, होलसेल बिजनेस है, हमें ऐसे सुना है। तो चाय लाई है हमारे लिए, चाय के साथ नाश्ता लाई है, तो हम अब चाय पियेंगे। इसी हॉस्पिटल पे हमारी आंटी एडमिट हैं, तो हम उनसे मिलने आए हैं। छोटी मैं पहली बार दिख रहा हूँ। अब ये एडमिट कब से हुई है? कल सुबह से। प्रॉब्लम क्या है यार? प्रॉब्लम सर दर्द है, उसी के चलते यार। यहाँ कितने दिन डॉक्टर क्या बोलता है? डॉक्टर बोलता है कल MRI है, CC है, उसके बाद में क्या बीमारी है। हाँ जी सर, में कितने दिन से ये सर दर्द है? 15 डेज हो गया। हाँ 16 डेज हो गया। अभी खाना वाना भी खा नहीं सकती हूँ, इसलिए डॉक्टर ने MRI ये सब करने के लिए बोला। कल लेके गया था, नहीं हुआ, गैस पूरा गैस हो गया, इसलिए नहीं हुआ। तो कल MRI नहीं हो पाया, तो आज जरूर होगा। आज नहीं होगा, आज कल होगा। आज पहली बार देख रहा हूँ। तो दिया था इनवाइट, नहीं मेरे को नहीं पहुँचा, ये अफसोस की बात है। आंटी का हॉस्पिटल में उनका दुख दर्द का खबर लिया, तो अब हम लौट रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।